तो देखिए एक प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो जेट प्लेन होते हैं, तो आपने सुना होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी कुछ होते हैं। तो होता क्या कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक जेट प्लेन रखा होता है, और जब हमें उस जेट प्लेन को हवा में उड़ाना होता है तो वो क्या करता है, क्राफ्ट जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर खड़ा रहता है, और जब उसको चलना होता है तो उस पर ऊपर रनवे होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, वो उस पर दौड़ता है और अपना टेक ऑफ कर लेता है। ठीक, तो इसमें एक इल्यूजन होता है, उस इल्यूजन के कारण कई बार जो प्लेन होते हैं वो ओशियन में गिर जाते हैं, उस इल्यूजन के कारण पायलट को वो इल्यूजन होता है। तो क्या इल्यूजन होता है वो मैं समझाता हूं। तो आप मान लीजिए कि ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक, और ये समुद्र है, और इसके ऊपर मान लीजिए एक जेट प्लेन है। इस पर मान लीजिए एक जेट प्लेन है, ये आपका जेट प्लेन और ये एयरक्राफ्ट कैरियर। मान लो आपको ऐसी जरूरत फील हुई कि नहीं, अब मुझे इस जेट प्लेन को उड़ाना है, मान लो लड़ाई हो गई, इसमें मिसाइल विसाइल रखी है या बॉम्ब रखा है, तो आपको इसको भेजना है कि जाओ, तो ये जाएगा। तो होता क्या है कि अब जब अभी जो रनवे होता है, अब ग्राउंड तो है नहीं कि कितना भी लेंथ का रनवे बना लीजिए, ये एक सफिशियंट लेंथ होती है। तो हम क्या करते हैं, इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म और कुछ लगा देता है एक्स्ट्रा, जैसे गुलेल जो होती है उसमें जब खींचते हैं तो रबड़ से जो पार्टिकल होता है उसको आगे वेलोसिटी मिलती है, तो इसमें एक मैकेनिकल मैकेनिज्म और लगा होता है। तो इसको जब हमें टेक ऑफ कराना होता है तो इसका इंजन ऑन कर देते हैं, तो इसके इंजन से इसको एक फोर्स मिलता है और एक एक्स्ट्रा फोर्स और हम लगाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन खूब ज्यादा हो जाता है। और हमें खूब ज्यादा एक्सेलरेशन क्यों चाहिए, क्योंकि अपने पास डिस्टेंस कम है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो जिससे इसकी उतनी वेलोसिटी अटेन हो जाए जिस वेलोसिटी से ये प्ले हवा में स्टेबली उड़ सकता है, तो हमें उस वेलोसिटी को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। तो अब बात आती है इल्यूजन क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, अब पहले मैं सिचुएशन समझा देता हूं। तो कई बार क्या होता है कि जब ये टेक ऑफ, जब यहां से जब ये रनवे पे होता है और जब इसको यहाँ पे छोड़ना होता है इसको, तो पायलट को कभी कभी ऐसे लगता है कि जो मेरा ये जेट प्लेन है ये ऐसे वर्टिकल हो गया है, ऐसा इल्यूजन होता है पायलट को। तो पायलट क्या करता है, उसकी जो ये जेट प्लेन है इसको हॉरिजॉन्टल करता है, तो ये है तो हॉरिजॉन्टली, उसको इल्यूजन हुआ कि थोड़ा एंगल पर हो गया है ऊपर, तो वो क्या करता है, इसको नीचे करता है, जिसके कारण ये समुद्र में गिर जाता है, ओशन में गिर जाता है। तो अब बात ये आती है, तो ऐसे इंसिडेंट हुए नहीं है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे जहां जब ऐसा हुआ है। ठीक, कनाडा में एक ऐसा हुआ था। तो देखिए ये इल्यूजन पायलट को क्यों होता है, इसके पीछे प्रॉपर बायोलॉजिकल कारण है, क्या है वो बायोलॉजिकल कारण वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो अपने कान के अंदर ऐसे कुछ मैकेनिज्म होता है जो हमें मोशन को समझाता है। ठीक, तो इस कान के अंदर हमारे पास तीन ट्यूब होती हैं, तो ये तीन ट्यूब तीन मोशन को सेंस करती हैं, अंदर इनका प्रॉपर बायोलॉजिकल नेम होता है ट्यूब्स का। तो जैसे मान लेते हैं ये वाली जो ट्यूब है आउटर वाली, ये किसको मोशन करती है, लेट से वर्टिकल प्लेन में मोशन को सेंस करती है। मान लेते हैं एक ट्यूब ये है, ये किसको सेंस करती है, लेट से हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन को सेंस करती है। और मान लीजिए ये वाली ट्यूब है, ये किसको मोशन करती है, कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, मैं ऊपर उठता जाऊं या फिर मैं नीचे गिरता जाऊं। ठीक, तो हर ट्यूब का अपना अपना काम है। तो मैं बस ये समझाता हूं आपको कि हमारा जो पायलट है, उस पायलट को ऐसे इल्यूजन होता है कि मेरा प्लेन ऐसे हो गया, मतलब उसकी जो गर्दन थी, मतलब जो उसकी गर्दन ऐसे थी, जैसे ये आदमी का सर है, तो उसको ऐसे लगते हैं, आदमी आदमी के साथ उसको लगता है मेरा प्लेन जो है वो ऐसे हो गया, तो गर्दन उसकी ऐसे टिल्ट हो गई, मतलब गर्दन उसको ऐसे टिल्ट फील होती है, तो उसको लगता है उसका प्लेन ऐसे हो गया। ठीक, अब उसको ऐसा फील क्यों होता है, तो उसका कारण सुनिए। तो इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूड होता है, और उस फ्लूड के मोशन से हमें यह समझ आता है, फ्लूड का मोशन होता है, फिर अंदर और भी एक यहाँ पे कुछ लगा होता है जिसमें बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं, और उन सॉफ्ट हेयर का मोशन होता है उस फ्लूड के कारण, और उससे हमें सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को, और सिग्नल से हमें ये समझता है कि अच्छा हमारी गर्दन टिल्ट हो गई है। ठीक, तो कैसे वो काम करता है मैं उसका बेसिक समझा देता हूं। तो आप, मैं इस वाली ट्यूब पे बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि ये लेट्स से ट्यूब है, और मान लेते हैं ये ट्यूब कहीं ऐसे कनेक्टेड है, और यहां मान लेते हैं कि ये लेट से वो सॉफ्ट हेयर, ये मान लीजिए वो सॉफ्ट हेयर,
ठीक। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन, ठीक। अच्छा पहले मैं एक नॉर्मल वो बता देता हूं कि इसको बॉडी कैसे समझती है। तो जब ये फ्लूड इस डायरेक्शन में मोशन करता है, इसका मतलब है कि जो नेक है आपका, इसका ये मतलब समझ में आता है कि जो आपका नेक है वो इधर टिल्ट हो गया, अपना बॉडी ऐसे समझता है। और जब ये फ्लूड इस डायरेक्शन में मोशन करता है, जब ये फ्लूड इस डायरेक्शन मोशन करता है तो अपनी नेक को समझ में आता है कि हमारी जो अपने को जो ब्रेन को समझ आता है कि अपनी नेक आगे की तरफ टिल्ट हो गई, ठीक है, ऐसा ये इसको समझता है। अब मैं ये समझाता हूं कि हमारे एक्सेलरेशन वाले केस में क्या होता है। तो जब हमारा जेट इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड होता है तो आप समझते हैं कि इस वाले ट्यूब में यहां का जो प्रेशर होगा, अगर इस प्रेशर को मैं P2 नाम दूं और इस प्रेशर को मैं P1 नाम दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ये प्रेशर है इस वाले पॉइंट का P1, इसमें P2 ज्यादा हो जाएगा P1 से। या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, आप खुद याद करिए कि मान लीजिए एक ट्यूब है और ट्यूब में इधर एक्सेलरेशन है A, तो यहां का जो प्रेशर होता है ये प्रेशर ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, यहां के प्रेशर के कंपैरिजन में, तो इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है और खूब ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये वाला जो फ्लूइड है वो इधर मोशन करता है, तो जब ये फ्लूइड इधर मोशन करता है तो आपको मैंने बताया था कि जब फ्लूइड इधर मोशन करता है तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारी गर्दन इधर टिल्ट कर गई है। तो जब ये फ्लूड आगे की तरफ एक्सेलेट करता है, आगे की तरफ मोशन करता है, तो पायलट को ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन ऐसे टिल्ट हो गई है, मतलब उसको ऐसे लगता है कि जो मेरा जो हमारा प्लेन है ये प्लेन ऐसे टिल्ट कर गया, क्योंकि जब प्लेन ऐसे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे, ये गर्दन है, ठीक। तो जब ये प्लेन ऐसे टिल्ट कर जाएगा, जब ये प्लेन ऐसे टिल्ट करेगा तो गर्दन ऐसे होगी, तो उसको ऐसा फील होता है कि मेरी गर्दन टिल्ट कर गई है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा प्लेन है वो टिल्ट कर गया है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए उसको हॉरिजॉन्टल घुमाता है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है मोशन का उसको वो नीचे की तरफ करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, समुद्र में गिर जाता है।